हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीवीसी आधार कार्ड के बारे में। तो गाइस, आप अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एक हफ्ते के अंदर आपके घर के एड्रेस पर इजिली आ जाएगा। इस पीवीसी ऑर्डर का फायदा यह है गाइस कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आप ऑनलाइन उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो भी आप जो है पीवीसी कार्ड मंगवा कर अपने आधार एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। और या फिर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी कि ईयर पहले जब बना था ना, तो पुराने आधार कार्डों में क्या होता था, मंथ और डेट नहीं डाली जाती थी, सिर्फ ईयर डाला जाता था। तो भी आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो भी पीवीसी वाला ऑर्डर कर दें, वो बनकर आ जाएगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ पुरानी जो भी लिखी होगी वो कंप्लीट लिखी हुई आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइड। ओनली 50 रुपीज़ लगते हैं पर पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने में। तो किस तरीके से पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। प्लास्टिक कार्ड वाला आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं uidi.gov.in। तो गाइस, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, आपको ये वाला ऑप्शन खोलना है। उससे पहले यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन ओपन हो रखा है, आप देख सकते हैं इस कट के निशान से इसे कट कर देना। उसके बाद माई आधार वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना। फिर ऑर्डर आधार पीवीसी वाला ऑप्शन सर्च कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही गाइस कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पर जो है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन आप सामने देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देना है, या फिर आपके पास इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है, और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है फिर और वो आपके पास है नहीं, या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है गाइज, है ना। और टिक करने के बाद गाइज क्या करना है, यहाँ पर डिटेल भरने के बाद माई मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है गाइज आपके अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऑर्डर पीवीसी हो जाएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको इस वाले ऑप्शन से बैक जाना पड़ेगा, इसे क्लोज कर देना है अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस वाले ऑप्शन से मोबाइल नंबर डाल के OTP मंगा लेंगे, और रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP करके लॉगिन कर लेना है गाइस। मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। कैप्चा कोड समझ नहीं आए तो इस तरीके से कैप्चा कोड फिल कर लेना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। कभी कभी इंटरनल एरर इस तरीके का आ जाता है तो आपको दोबारा से वो ट्राई कर लेना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। OTP यहाँ पर गाइस फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है गाइस। तो गाइस इस तरीके से OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल जाएगा, सिंपल वैसा ही जैसा पहले खुला हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ और कि अभी आधार कार्ड अपडेट भी हो रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिए। यहाँ पर अभी आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पर आपकी डिटेल सारी आ जाएगी, फोटो वगैरह, एड्रेस वगैरह। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, मेक पेमेंट कर देना है। बड़ा छोटा सा स्टेप है। अब यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन है, आप UPI ईजिली, अभी ईजी मोड है UPI का तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ोनपे वगैरह जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आपको UPI ID डाल के पेमेंट कर देनी है गाइस। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप UPI ID अपनी डालेंगे, फ़ोनपे वगैरह जो भी है उसे खोल कर जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आप पेमेंट यहाँ से कर सकेंगे। तो मैं आपको UPI ID डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वेरीफिकेशन होगी UPI ID डालने के बाद। तो गाइस UPI ID मैंने डाल दी है, अब इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करते ही गाइज यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही गाइज आपके जो फोन पे या फिर जो भी पेमेंट आप मोड यूज कर रहे हो उस ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे जो है आपको पिन डाल के कंप्लीट कर देना है। पिन डालने के बाद पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद गाइज आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने का यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको 5 मिनट का समय मिलता है, इसी बीच के अंदर अंदर आपको अपना ऐप खोलना जिसका भी आपने UPI ID डाली, और पेमेंट वेरीफाई होते ही गाइज कुछ इस तरीके का पेमेंट पेज खुल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, रिसिप्ट आ गई है, डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक कर लेना और इसका प्रिंट आउट ले लेना, ताकि आप जो है स्टेटस चेक कर सकें जब आपका मतलब डिलीवर हुआ है नहीं हो। वैसे तो मैसेज आ ही जाएगा,
बाकी फिर भी आपके पास ये रिसिप्ट नंबर SRI नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं गाइस। तो गाइस दोबारा से होम पेज पर आ जाना है, माय अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जो है चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, इससे जो है आप अपने PVC का स्टेटस भी पता कर सकेंगे। तो गाइस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और गाइस मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो। मिलते हैं आप गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।